मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग ने अवैध हॉस्पिटलों और झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ढाबला में अवैध रूप से चल रहे महाकाल कायरो केयर सेंटर को सील कर दिया। इस हॉस्पिटल को बिना किसी परमिशन और डिग्री के चलाया जा रहा था और यहाँ पर 2 करोड़ से अधिक की मशीनें जैसे कि डिजिटल एक्सरे और अन्य मशीनें बिना अनुमति के संचालित की जा रही थी। इसके अलावा यहाँ पर 2 मेडिकल स्टोर भी संचालित किए जा रहे थे। ये कार्रवाई सीएमएचओ डॉक्टर अशोक पटेल के निर्देश पर डॉक्टर विक्रम रघुवंशी की टीम द्वारा करते हुए हॉस्पिटल को सील किया। ये कार्रवाई अवैध हॉस्पिटलों और झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की गई है। सर बताएं आज किस तरह की कार्रवाई की? आज यहाँ रोड पर नाम पटक है, एक हॉस्पिटल जिसका नाम कायरो केयर के नाम से चला रहे थे, इनकी डिग्री ली हुई है और इनके द्वारा का कार्य चलाया जा रहा था। आके यहाँ देखा हमने हम लोगों को चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी टीम बना के हमको यहाँ भेजा गया है। आके देखा कुछ मशीनें यूज़ कर रहे थे, कुछ दवाइयाँ यूज़ कर रहे थे, देखने के बाद पता लगा कि ये सब दवाइयाँ इनको यूज़ नहीं करनी चाहिए। इसको देखते हुए हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन भी मेडिकल का नहीं है, केवल डेंटल का हो, जिसको इसको सील करने की कार्रवाई की गई। आगे क्या होगा इसमें? आगे इनके पास जो भी ये सर्टिफिकेट हो, जो भी डिग्री वाले लेके आके वहाँ प्रस्तुत करेगा वो ऑनलाइन आवेदन करेंगे, करवाने की कोशिश होगा तो करवा देंगे।